छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में लगातार हुई बारिश और बढ़े जलाशयों से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी के चलते दुर्ग में बहने वाली शिवनाथ नदी अपने पूरे शबाब पर है। वही चारों तरफ हुए जलमग्न की स्थिति को देख जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पेश है खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ दुर्ग में स्थित शिवनाथ नदी इन दिनों अपने शबाब पर बह रही है। लगातार हुई बारिश और बड़े जलाशयों से छोड़े गए पानी से शिवनाथ नदी पूरी तरह लबालब है। इसके चलते नदी किनारे बसे गांव से लोगों को निकालने और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस दौरान शिवनाथ नदी का लगातार बढ़ता जल स्तर धीरे धीरे अपने आप पास को डुबोता हुआ आगे बढ़ रहा है। वहां मौजूद दुकानों, घरों और होटलों पर पानी भरता नजर आया। इतना ही नहीं, धीरे धीरे पानी शहर के भी ओर बढ़ने लगा है। आप देख सकते हैं किस तरह से बाढ़ के पानी को आगे बढ़ाने डिवाइडर को फोड़ दिया गया है। इस दौरान शहर की पब्लिक भी इस भरे पानी में आनंद उठाती नजर आई। जिस तरह से प्रदेश भर में लगातार दो दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी और उसके साथ ही आसपास के नदी नालों का जल भराव बड़े तेज़ी के साथ बढ़ रहा था, इसके साथ ही जो अपने प्रदेश के बड़े जलाशय हैं, मोंगरा जलाशय, बैराज जो है, बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने की जानकारी मिली थी और इसके चलते हमने कल ही एक न्यूज़ बनाई थी कि बाढ़ का खतरा आ सकता है। और उसके चलते आप देख सकते हैं कि पीछे किस तरह से आज नदी शिवनाथ नदी जो अपने रौद्र रूप में नज़र आ रही है, किस तरह से इसका बहाव इतना तेज़ हो चुका है कि मोंगरा जलाशय से और इसके साथ ही कई अन्य जलाशयों से लगभग 1,88,000 क्यूसेक पानी यहाँ रात तक पहुँचा है, जिसके कारण यहाँ का पानी जो है पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। पूरे जो यहाँ पर आसपास के लगे घुमटी दुकान, होटल, ये सारे जलमग्न हो चुके हैं और साथ ही जो पास की बस्ती है जहाँ पर लोग काबिज है, वहाँ से लोगों को खाली कराया गया है। प्रशासन द्वारा समय पर मुनादी करा देने की वजह से उनको अलर्ट मोड पर रखकर उनकी सुरक्षा के तहत उनको गाँव से निकाल कर बाहर किया गया है। और इसके साथ ही SDRF की जो टीम लगातार जगह जगह मुस्तैदी से अपना काम कर रही है और गाँव में फंसे हुए लोगों को बचा रही है। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त मेरे पीछे जो पानी का सैलाब दिख रहा है, यहाँ पर रहने वाले लोग और यहाँ पर जो काम धाम करने वाले जो लोग हैं अपनी आजीविका चला रहे हैं। इसी के साथ हमारे पीछे जो गुरुद्वारा आपको देखने को मिल रहा होगा, उस गुरुद्वारे से जुड़े अपने जो ज्ञानी जी हैं वो बताते हैं यहाँ की स्थिति किस तरह से निर्मित हुई और कितना पानी कब तक पहुँचा। जी ज्ञानी जी, बताएं किस तरह की स्थिति थी कल रात के और आज की क्या स्थिति है? हाँ, कल रात को तो थोड़ा ही था पानी वहाँ पे, ज़्यादा नहीं था। वहाँ पर यहाँ तक अभी आया, तो मैं बच्चों को भी अभी लेने जा रहा हूँ, खास स्कूल में बच्चे, वो बोल रहे बस नहीं आएगी, उधर मना कर दिए हैं। तो यहाँ से अब स्कूटरी भी नहीं निकल रही है, देखो गाड़ी कितना पूरा पानी है, तो मैं अब कैसे भी पैदल लेके आऊँगा, जहाँ कैसे भी। आप अपनी लाइफ में कितनी बार यहाँ पर ऐसा बाढ़ की स्थिति? हाँ, यहाँ बहुत बार देख चुके हैं बाढ़। अब यहाँ जहाँ खड़े हैं अपन, यहाँ 4 फीट पानी होता है, अभी तो कम है, अभी तो कम है, इसमें यहाँ तक पानी रहता है। तो अब स्कूल जो आप बच्चों को लाने जा रहे हैं, अब ऐसे पैदल ही जाएंगे? अब यहाँ से तो गाड़ी भी नहीं निकल रही है, पूरा पानी है, मैं जा रहा हूँ कैसे करके बच्चों को उधर से लेके आऊँगा, पैदल आएंगे, नहीं तो स्कूल वाले बोल दिए हैं कि बस तो आने नहीं दे रहे, पूरा जाम लगा हुआ है, रास्ते में भी बहुत पानी है। जिस तरह से पानी की जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लबालब स्थिति में दिख रहा है, लोगों को असुविधा भी हो रही है, उसके साथ ही यहाँ पर अपने मंदिर से जुड़े महाराज जी हैं, वो बताएंगे किस तरह की स्थिति यहाँ पर और क्या देखने को मिला। जी, यहाँ पे तो वैसे देख रहे थे बहुत गंभीर हालत होता जा रहा है और कई तरह का सामान भी यहाँ पे अव्यवस्थित होने के कारण कई तरह का सामान भी यहाँ पे बह जाते हैं, इस प्रकार से बहुत हताहत भी होता है यहाँ। आप अपनी लाइफ में कितनी बार इसे स्थिति देख रहे हैं? सर, दूसरा बार सर यहाँ पे। तो कितना पानी महसूस हो रहा है आपको? पानी का बढ़ाव, पानी बढ़ाव वैसी है सर, जो हम 2022 में जो देखे थे ना, उससे थोड़ा तेज बढ़ रहा है। इसके साथ ही अपने देखना चाहेंगे कि शहर के जो लोग हैं, गांव की स्थिति और शहर की स्थिति में जो बाढ़ का अंतर होता है उसको देखने पहुंचे, किस तरह से देखते हैं आज आप ये बाढ़ की स्थिति देखने आए हैं, तो क्या लग रहा है? हमको तो थोड़ा देख के अच्छा लग रहा है, लेकिन गांव वाले लोगों को थोड़ा सा बहुत परेशानी, दिक्कतें जा रही है। और इसके पहले भी ऐसे बहुत बार आ चुका है, एक बार तो हेलीकॉप्टर से बचाव दल भी आया था, है ना, वो पुरानी स्थिति। क्या कहना चाहिए? नहीं, मतलब ऐसा है कि बाढ़ से तकलीफ तो है, सभी को ही है, बाकी विशेषकर जो इसके आसपास लोग बसे हुए गांव हैं उनको तकलीफ है बहुत ज़्यादा, पानी अच्छा बढ़ भी गया है,
और अभी तो मेरे ख्याल से कंटिन्यू बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन लोगों की बचाव कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। हाँ, ऐसा जो जानकारी मिली उस हिसाब से ईटा भट्टा जो में गांव है उससे वहां से रेस्क्यू करके निकाले हैं, 18-20 आदमियों को कल भी निकाले हैं। प्रशासन तत्पर तो है, बाकी जो एक्चुअली स्थिति तो ग्रामीण लोग बता पाए, जो जहाँ एकदम फंसे हुए वो बता पाए। रास्ता ब्लॉक कर दिया। तो ये था सुनार नदी का जो रौद्र रूप का वाकया। अब आगे हम इससे जुड़े हुए और भी खबरें आपको आगे दिखाएंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। दुर्ग से मैं नसीम फारूकी, एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।